हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, आप सभी लोगों का स्वागत है डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा में। बहुत सारे फ्रेंड्स की ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कमर दर्द यानी कि लो बैक पेन के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो आज आपके सामने मैं स्पेशली आया हूँ लो बैक पेन यानी कि कमर दर्द के बारे में बात करने के लिए। आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कमर दर्द होने के क्या क्या कारण है, कमर दर्द में क्या सिम्टम्स होते हैं और आयुर्वेद में कौन सी ऐसी सफल चिकित्साएं हैं, कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां और ट्रीटमेंट है कि जिसको करने से हम कमर दर्द से ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम कमर दर्द को लेकर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं और एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर से लाइक करिए, हमारे चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें। दोस्तों, आइए बात करते हैं कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द जो है वो 35 से लेकर 50 साल की उम्र के मेल और फीमेल में जनरली देखा जाता है और स्पेशली जिन लोगों को लो बैक पेन यानी कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका जो लंबर रीजन है उसमें जिन लोगों को पेन होता है, उनकी काम करने की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, एक्टिविटी और काम करना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। आयुर्वेद में कमर दर्द को स्पेशली कटिशूल, कटिग्रह और पृष्ठग्रह इन नामों से जाना जाता है। कमर दर्द में जनरली पेन होता है कमर का जो निचला हिस्सा है, कमर में जो हमारे L1, L2, L3, L4, L5 ऐसी जो पांच हमारे वर्टिब्रा है उसमें से जो लोअर वर्टिब्रल कॉलम है उसमें पेन होता है, जिसकी वजह से पेन होता है, वहां पे टेंडरनेस आती है यानी कि स्वेलिंग आ जाती है और काम करने में, खड़े होने में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। कुछ लोगों की कमर अकड़ जाती है तो वो सीधा खड़े भी नहीं हो सकते हैं और इसे कटिशूल यानी कि कमर दर्द कहा जाता है। मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है और बहुत ज्यादा इरिटेशन फील होता है और हमारे काम करने में भी हम डिस्टर्ब महसूस होता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कमर दर्द के बारे में। अब हम देखते हैं कि लो बैक पेन यानी कि कटिशूल कमर का दर्द होने के कौन कौन से ऐसे कॉजेटिव फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे कारण है कि जिनकी वजह से कमर दर्द होता है। कमर दर्द होने का, कटिशूल होने का सबसे पहला रीजन है जो लोग ड्राई यानी कि सूखा खाना, लाइट फूड यानी कि हल्का खाना, कड़वा खाना और ज्यादा तीखा, ये स्वाद जिन लोगों का ज्यादा फेवरेट होता है या जो लोग बहुत ठंडी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, तो ये ड्राई, लाइट, बिटर, पंजेंट और कोल्ड इनका ज्यादा सेवन करने की वजह से शरीर में वायु की वृद्धि होती है और कटिशूल यानी कि कमर का दर्द जो है वो आयुर्वेद में बताए हुए जो वात रोग है, वात व्याधि है, 80 प्रकार के आयुर्वेद में वायु के रोग बताए गए हैं उनमें से एक रोग है। जो लोग इनका ज्यादा सेवन करते हैं वैसे लोगों को कमर दर्द ज्यादा होता है। उसके अलावा अगर दूसरा कारण देखने जाए, जो लोग कम खाना खाते हैं, जिनका फूड इंटेक लेस होता है, उसकी वजह से भी शरीर में वायु प्रकोपित होता है और कमर दर्द होता है। उसके अलावा जो लोग ज्यादा फास्टिंग करते हैं या जिनके खुराक में, जिनके खाने में न्यूट्रिशन का अभाव होता है, जो ज्यादा कम न्यूट्रिशन वाला खाना खाते हैं वैसे लोगों को भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन B12 और मल्टीविटामिन्स और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी कमर दर्द होता हुआ देखा जाता है। जिन लोगों के खुराक में मूंग, मसूर, पीनट्स ऐसी चीजों का ज्यादा समावेश होता है उनको भी शरीर में वायु प्रकोपित होने की वजह से कमर दर्द होता हुआ देखा जाता है। जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जिम में जाते हैं और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज्यादा वेट लिफ्ट कर लेते हैं, तो उनको भी कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। जो बहुत ज्यादा चलते हैं, एक नॉर्मल मूवमेंट में चलना और बहुत ज्यादा चलते हैं उन लोगों को भी शरीर में वायु की प्रकोपित होने की वजह से कमर दर्द यानी कि कटिशूल हो सकता है। कभी गिर जाने की वजह से, इंजरी होने की वजह से, या तो कोई वाइटल पोर्ट है, वर्टिब्रल कॉलम का जो एक कोई वर्टिब्रा है उसके ऊपर जोर से इंजरी आने की वजह से, या हैवी वेट लिफ्ट कर लेने की वजह से, सोने का जो पोस्चर है, कुछ लोगों का सोने का पोस्चर बहुत इरेगुलर होता है, पैर हाथ ऊपर नीचे करके सोते हैं, उसकी वजह से भी कटिशूल हो सकता है। जो लोग ब्रिस्क वॉक ज्यादा करते हैं उन लोगों को कटिशूल होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो लोग नेचुरल अर्जिस को सप्रेस करते हैं यानी कि जो वेग आता है, जैसे कि मोशन है या गैस है या यूरिन है, उसके वेग को ज्यादा समय तक रोक के रखते हैं तो वेग को धारण करने की वजह से शरीर में वायु की वृद्धि होती है। जो लोगों का फिजिकल स्ट्रेस ज्यादा होता है वैसे लोगों को भी कटिशूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको कारण बताए फ्रेंड्स कि जिसमें जिसकी वजह से कटिशूल यानी कि कमर का दर्द हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे डिसीज हैं कि जिसका हम अगर क्लिनिकल फीचर्स देखने जाए तो उसमें कमर दर्द होता है।
जैसे कि जिन लोगों को फिस्चुला होता है, फिस्चुला का मतलब होता है भगंदर, जिन लोगों को भगंदर होता है उन्हें भी कमर दर्द महसूस होता है, जिन्हें हेमरॉइड्स यानी कि पाइल्स होते हैं उनको भी कमर दर्द होता है, जिन लोगों को साइटिका होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या तो गाउट या हर्निया होता है उसमें भी लो बैक पेन है वो कॉमनली सिम्टम के तौर पे देखा जाता है, जिन लोगों को एनीमिया यानी कि खून की कमी होती है, जिन लोगों को यूटराइन डिसऑर्डर्स होते हैं या तो पथरी की शिकायत होती है, ये सारे केसेस में हमें लो बैक पेन की शिकायत पेशेंट में मिलती है। अब दोस्तों लो बैक पेन यानी कि कटिशूल पृष्ठग्रह कटिग्रह, इसे आयुर्वेद में बताए गए वायु के 80 प्रकार के रोगों के अंतर्गत माना जाता है, तो ये एक वात दोष की वजह से होने वाला रोग है। और वायु के जो रोग होते हैं उसकी चिकित्सा में आचार्य चरक ने स्नेहन और स्वेदन को सबसे बेस्ट बताया है। स्नेहन का मतलब होता है कि ऑयल से उसका अभ्यंग करना, अभ्यंग यानी कि मसाज करना। आप जिन लोगों को भी कमर का दर्द है वो लोग अपने कमर के भाग पे महानारायण तेल का मसाज कर सकते हैं। महानारायण तेल को थोड़ा सा गर्म करके उसको कमर के भाग पे मसाज करना है, जिसे अभ्यंग कहा जाता है। उसके बाद आप स्वेदन कर सकते हैं, स्वेदन में आप नाड़ी स्वेद कर सकते हैं। एक नाड़ी स्वेद क्या होता है, आप कुकर में पानी भरिए, उसमें आप निर्गुंडी के पत्ते डालिए या नगोड़ के पत्ते डालिए, या तो आप निर्गुंडी तेल है उसके 5 से 10 ड्रॉप डाल के फिर उसमें जब स्टीम जनरेट होता है तो एक पाइप अटैच करके उससे आप कमर के पोर्शन पे स्टीम ले सकते हैं, जिसे नाड़ी स्वेद कहते हैं। नाड़ी स्वेद का पिक्चर यहाँ पे बाजू में बताया है, इस प्रकार से आप नाड़ी स्वेद ले सकते हैं। उसके अलावा अवगाह स्वेद भी आयुर्वेद में बताया गया है, अवगाह स्वेद भी आप करा सकते हैं। कटिबस्ती करके आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत एक ट्रीटमेंट बताई है। कटिबस्ती यानी कि आपका जो कमर का भाग है, जो कमर का पार्ट है, लो बैक है, जहां पे पेन हो रहा है उसके आसपास आटे को गोंद के उसकी क्यारी बनाई जाती है और उसके बीच में मेडिकेटेड गर्म तेल को भर के रखा जाता है, जिससे आपका कमर दर्द ठीक हो जाता है। उसके अलावा माइल्ड परगेशन यानी कि हल्का मृदु विरेचन, विरेचन नाम की जो आयुर्वेद में पंचकर्म के अंतर्गत प्रक्रिया बताई है वो मृदु विरेचन भी करने का उल्लेख बताया है। उसके अलावा सबसे बेहतरीन वायु के जो 80 प्रकार के रोग हैं सभी की एक बेस्ट चिकित्सा है, जिसे बस्ती चिकित्सा कहा जाता है। बस्ती चिकित्सा को हम कॉमनली एनिमा भी कह सकते हैं। आप एरंडी के तेल यानी कि कैस्टर ऑयल का एनिमा या तो फिर वैतरण बस्ती या तो पिपलियादि अनुवासन बस्ती, ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर करवा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ होम रेमेडी अब बताना चाहूंगा। जिन लोगों को भी कमर का दर्द है उन लोगों को क्या करना है, 1 कप दूध लेना है। 1 कप दूध में 2 से 3 कली लहसुन की चॉप करके डाल देनी है। उसके बाद उस दूध को उबालना है। उस दूध को उबाल के जब वो दूध आधा हो जाए तब उसको छान लेना है। छानने के बाद उसको जो लहसुन वाला दूध है उसे सुबह खाली पेट पीना है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी और बेहतरीन ट्रीटमेंट है, जिसे हम डे बाय डे प्रैक्टिस में काफी पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं। और पुराना से पुराना कमर दर्द जो है वो ये लहसुन वाले दूध के प्रयोग आप 3 महीने तक अगर रेगुलर करते हैं तो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा आयुर्वेद की कुछ औषधियां मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। दशमूल काढ़ा आयुर्वेद की एक बेहतरीन औषधि है। दशमूल काढ़े का आप सेवन कर सकते हैं 15 ml सुबह में और 15 ml शाम को। खाना खाने से पहले पानी में मिक्स करके, खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको इसको लेना है। और निर्गुंडी घनवटी का सेवन आप कर सकते हैं। टेबलेट फॉर्म में आती है, घनवटी के फॉर्म में, ये 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन भी आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि जिन लोगों को कटिशूल यानी कि कमर का दर्द है उन लोगों को क्या क्या खाना चाहिए। उन लोगों को अपने खुराक में, अपने फूड में गेहूं का समावेश करना है, लाल राइस का समावेश करना है, ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द का समावेश कर सकते हैं क्योंकि उससे वायु का शमन होता है। उसके बाद शिग्रु यानी कि ड्रम स्टिक आप उसका सेवन कर सकते हैं, स्मॉल ब्रिंजल आप सेवन कर सकते हैं, गार्लिक यानी लहसुन ले सकते हैं जैसे मैंने आपको आगे बताया, घी का सेवन अवश्य अपने खुराक में करें, आंवले का सेवन करें क्योंकि आंवले से आपको विटामिन सी और कैल्शियम मिलेगा। उसके बाद परवल की सब्जी का भी सेवन आप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें नहीं खानी है। कड़वा, कसेला, तीखा खाना, सूखा खाना हमें नहीं खाना है। ब्रेड, मैदे की चीजें हमें अवॉइड करनी है। ठंडा पानी हमें नहीं पीना है। ज्यादा लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना है। लॉन्ग ड्राइविंग नहीं करना है। वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। बासी खाना जो फ्रिज में रखा हुआ है या 2-4 दिन का बासी खाना नहीं करना है। हॉर्स राइडिंग और वेट लिफ्टिंग हमें नहीं करना है। तो दोस्तों लो बैक पेन के बारे में मैंने आपको आज यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करी। इसमें बताई गई औषधियों का आप सेवन करके अपने लो बैक पेन को ठीक कर सकते हैं।
अगर आप हमसे कांटेक्ट करके दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर यहाँ पे नीचे डिस्प्ले किए हुए हैं, जिसपे आप कांटेक्ट करके दवाई मंगवा सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव था, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।